Hello friends, uh, welcome to Istaad. In this video, we will be dealing with some most important and most expected questions of uh, cooperative societies dealing with Jumu and Kashmir Cooperative Society Rules 2001. Uh, uh, this is my sixth video video on the MCQs uh, on the cooperative societies. I expect you to take a, take a pen and paper if you are a serious candidate. Take a pen and paper and uh, mark your answers before I tell you the answer, and then you can uh, uh, you can judge whether uh, how much you have score scoring. If you are scoring uh, eight plus in in these ten questions, you are this is this could be the best score and you are doing very good, you need to keep going. and you if you are scoring six plus, this is an average score To or to score or milja, and if you are scoring. फोर प्लस दिस अ वीक स्कोर ये कम स्कोर है बहुत कम है इसको अभी भी आप मेहनत करके कुछ भी कर सकते हो अभी कुछ बिगड़ा नहीं है और एट द एंड मैं आपको एक टिप बोलूँगा कि इस टाइम आप जो है इस लेवल पे एग्ज़ाम में जो एंड जो हो है होता है एग्ज़ाम का उस पे क्या करने की आपको ज़रूरत है ताकि जो है आप कल को एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओ तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन एंड जहाँ कहीं भी आपको जरूरत पड़े कहीं आपको मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं या कोई सजेशन हो वो आप कमेंट्स में आ, बता सकते हैं प्रेसिंग सब्सक्राइब बटन टेक्स लेस देन थ्री सेकंड्स सो आप अपने थ्री सेकंड्स निकाल के कर दीजिए सो so, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड is एडमिनिस्टर्ड by कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड इज एडमिनिस्टर्ड बाय तो आपके लिए पांच सेकंड का वक्त मैं आपको दूंगा सॉरी तो कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड कौन एडमिनिस्टर करता है स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन कमिटी अपॉइंटेड बाय रजिस्ट्रार बूथ या इधर वन और इधर टू इधर ए और बी कौन इसको एडमिशन करता है ये आपको बताना है सो नोट डाउन योर आंसर सो द आंसर इज नोट डाउन योर आंसर एंड द आंसर इज इधर ए और बी क्योंकि जब अगर, अगर अगर जो है अगर रजिस्ट्रार ये करता है अगर रजिस्ट्रार क्या अगर अगर वहाँ पे स्टेट कोपरेटिव यूनियन है तो कॉपरेटिव यूनियन इसको एडमिशन करेगा अगर वो नहीं है तो रजिस्टर करेगा या कमिटी अपॉइंटेड बाय रजिस्टर जो होगी वो करेगी सो द आंसर इज इधर ए और बी क्वेश्चन नंबर टू सेक्शन थर्टी सेवन एंड सेक्शन थर्टी एट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स टू थाउजेंड वन विद क्योंकि ये दो सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं तो आपको आपसे आप हर सेक्शन याद करके जाएं ये भी सही नहीं है लेकिन जो इम्पोर्टेंट सेक्शन वो आप छोड़ के जाएँ वो भी सही नहीं है so, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेंगे कौन है कौन नहीं है सो सेक्शन थर्टी एट थर्टी सेवन थर्टी एट इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होने की ज़रूरत है दे डील विद वाइंडिंग अप वाइंडिंग अप एंड रेजोल्यूशन वाइंडिंग अप एंड रेजोल्यूशन आर्बिट्रेशन ऑडिट या कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड किसके साथ जो है थर्टी सेवन थर्टी डील करता है आपके पास थ्री सेकंड है आप अपना आंसर नोट कर लीजिए लिख लीजिए फिर आप खुद आखिर पे जो है हाँ आपको आप आ, आ, आपको पता चलेगा कि मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं और कितने मेहनत करने की ज़रूरत है या अगर मैंने पढ़ा है तो कहाँ पे ले गेंगू सो ये डील करता है आंसर इज सी ऑडिट विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अम्बर ऑफ़ अ ट्राइब्यूनल इनमें से किस को मेम्बर ऑफ ट्राइब्यूनल नहीं uh, जो है अपॉइंट किया जा सकता है एन एडवोकेट हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट टेन ईयर्स ए पर्सन हु हैज डिग्री इन लॉ एंड एन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए रजिस्ट्रार कॉपरेटिव सोसाइटीज़ ए डिस्ट्रिक्ट जज ए पर्सन हैविंग डिग्री इन काऑपरेटिव मैनेजमेंट एंड एन एक्सपीरियंस ऑफ टेन ईयर्स इन कॉपरेटिव सोसाइटीज़ किस को जो है ट्राइब्यूनल में अपॉइंट नहीं किया कौन सी इसमें क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट के लिए नहीं है तो आपने पढ़ा होगा ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपके पास पाँच सेकंड है अच्छे से पढ़िए और आंसर दे दीजिए उससे पहले कि मैं अपना आंसर दे दूँ एंड द आंसर इज एंड द आंसर इज डी ये इसके लिए प्रस्क्राइबड uh, क्वालिफिकेशन नहीं है क्वेश्चन नंबर फोर विच सेक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 2001 प्रोवाइड फॉर सीट ऑफ ट्रिब्यूनल एट श्रीनगर सीट ऑफ ट्रिब्यूनल एट श्रीनगर कौन प्रोवाइड नहीं करता ये प्रोवाइड करता है श्रीनगर के लिए किस इन सेक्शन में जो लिखा गया है कि यहाँ पे सीट ऑफ ट्रिब्यूनल होगी कौन सा सिक्सटी वन सिक्सटी टू सिक्सटी थ्री सिक्सटी फोर आपके पास पाँच सेकंड है बताइए लिख लीजिए इजी वाला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बता रहा हूं ये रिजर्व है तो आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आप कमेंट्स में लिख के बताएंगे दूसरों को भी बताएंगे कि जो है आ, कौन सा इनमें से प्रोवाइड करता है सीट ऑफ ट्रिब्यूनल एट श्रीनगर तो क्वेश्चन नंबर फाइव प्रोसीजर फॉर द एमेंडमेंट ऑफ बाई लॉज ऑफ सोसाइटी इज प्रोवाइडेड अंडर विच चैप्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 2001 किस चैप्टर के अंडर जो है प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट अमेंडमेंट ऑफ बाई लॉज का उनका प्रोसीजर किस में प्रोवाइड किया गया है चैप्टर थ्री चैप्टर फोर चैप्टर फाइव नन ऑफ दो बहुत इजी वाला है इन क्वेश्चंस की लेवल आप समझ लीजिए ये इजी टू मीडियम है डिफिकल्टी लेवल में और ये डिफिकल्ट नहीं है तो क्या आंसर होगा इसका नन ऑफ द एबो अगर नन ऑफ द एबो है तो एक्चुअल चैप्टर कौन सा होगा वो भी आप हमें बताइए अगर आपको पता है तो आप कमेंट्स में लिख लीजिए कि जो है प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ बाईल जो है कौन प्रोवाइड करता है क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिस्कवालीफिकेशन इज नॉट इज नॉट ए डिस्कालीफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इनमें से कौन सी जो है मेंबरशिप के लिए डिसक्वालिफिकेशन प्रोवाइड करता है या yeah, डिसक्वालीफिकेशन नहीं है ए पर्सन बीइंग मेंबर ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे ये जो लिखे हैं इनमें से डिस्कालीफिकेशन दो हैं और एक नहीं है तो आप बताना है कि कौन सा है कौन सा नहीं है ए मेंबर बीइंग मेंबर ऑफ अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी व्हेन ए पर्सन इज एडज एज एन इन ए पर्सन हैज़ अदर अदर मेंबर ये यहाँ पे नंबर लिखा है सॉरी अदर मेंबर ऑफ़ फैमिली इन द सोसाइटी इनमें से कौन सा डिस्कवालिफ़िकेशन नहीं है दो हैं इसमें एक नहीं है कौन सा नहीं है आपके पास पाँच सेकंड है लिख लीजिए अपना आंसर इसे पहले मैं बताऊं। एंड द आंसर इज एंड द आंसर इज ए क्यों है वो आप खुद देख लीजिए आंसर में थोड़ा हेर फेर है चूज ऑड वन आउट इनमें से या तो तीन स्टेटमेंट या तो तीन स्टेटमेंट गलत हैं या या तीन स्टेटमेंट सही हैं कोई एक होगा जो डिफरेंट होगा वो हमें देखना है या तीन सही हैं या तीन गलत हैं सॉरी ये यह यहाँ पे स्टेटमेंट है ये यह, यहाँ पे नहीं होना चाहिए ए गवर्नमेंट नोमिनी कैन वोट बट कैन नाट कॉन्टेस्ट एलेक्शनज इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी ये आपको देखना है सही है या गलत ए गोवेंट ए गोवमेंट नॉमिनी कैन यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है वो आप जो मैं पढ़ रहा हूँ वही सही है जो स्पेलिंग मिस्टेक है ये गलत हु, गलत हुई है टाइपिंग में ए गवर्नमेंट नॉमिनी कैन कॉन्टेस्ट एलेक्शनज फॉर मम्बरशिप ऑफ ए कमिटी बट कैन नाट वोट ठीक है न फॉर एक्सपल्शन ऑफ ए मेम्बर रेजोल्यूशन पासड बाई एट लीस्ट टू थर्ड मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड ओनली ए चेयरमैन हैज़ इन एक्मिटी हैज़ टू वोट्स कौन सा इनमें से मुझे लगता है तीन गलत हैं एक सही है तो आप, आप बताएं कि कौन सा गलत है सॉरी कौन सा सही है इनमें से एक ही सही है तीन गलत हैं आपके पास पढ़ने के लिए चूंकि क्वेश्चन थोड़ा आ, लंबा चौड़ा है तो आप पॉज कर सकते हैं पाँच दस सेकंड के लिए और अपना आंसर दे सकते हैं अगर आपने अभी तक आंसर नहीं चुना है आप पॉज करके देख लें मैं आपका आंसर बता रहा हूं एंड द आंसर इज ए दिस वन ए गवर्नमेंट नॉमिनी कैन वोट बट के नॉट कंटेस्ट इलेक्शन सोसाइटी ये सही है तीन गलत हैं आपको लग रहा होगा ये सही है लेकिन ये भी गलत है आंसर ये ऑप्शन डी क्वेश्चन एट चैप्टर नाइन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स डील विथ यानी जो चैप्टर एट सॉरी चैप्टर नाइन जो है वो किसके साथ डील करता है मैनेजमेंट ऑफ सोसाइटीज ऑडिट ऑफ सोसाइटीज ये एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, हाउसिंग सोसाइटीज कौन होगा इजी है अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो बड़ी दुविधा में हैं आप ये बहुत इजी वाला है ये चैप्टर वाले जो हैं चैप्टर या ये मुझे लगता है ये नहीं आएंगे फिर भी जो है ज़्यादातर ज़्यादातर एस्पायरेंट्स ये कहते हैं चैप्टर चैप्टर आएंगे तो मैंने भी एक डाल दिया आपके लिए एंड द आंसर इज हाउसिंग सोसाइटीज़ डी क्वेश्चन नंबर नाइन जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स टू थाउजेंड वन हैव बीन फ्रेमड इन अकॉर्डेंस द पावर्स कन्फर्ड बाय ये आप देखते यानी जो रूल्स बने ये रूल्स बनाने के पावर गवर्नमेंट को किसने दिए जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट नाइनटीन एटी नाइन जम्मू एंड कश्मीर सेल्फ है यहाँ पे ये सिर्फ नहीं है यहाँ पे सिर्फ हुआ है सो सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव्स एक्ट ऑफ नाइन्टीन नाइन्टी नाइन ऑफ़ इंडिया मॉडल कोपरेटिव एक्ट ऑफ 1990 आप जल्दी से बताएं आपके पास पांच सेकंड हैं जो जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स बने हैं वो गवर्नमेंट को बनाने के लिए वो पावर कहाँ से मिले वो रूल्स फ्रेम करने के लिए गवर्नमेंट को पावर्स कहाँ से कन्फर हुए तो आंसर है एटी नाइन है नाइनटी नाइन है ये, है, ये 1990 है क्या हो सकता है शायद आपने अब तक ये नहीं देखा होगा तो ये वाला है दैट जो रूल्स वो नाइनटीन एटी नाइन एक्ट के अकॉर्डिंग बने हैं तो क्वेश्चन नंबर टेन जो है ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल सीज टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट सोसाइटी इफ़ ही फॉल्स इन एरियर्स टू सोसाइटी फॉर ए पीरियड ऑफ यानि अगर कोई मेंबर uh, जो है वो एक सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेशन दूसरी सोसाइटी में नहीं कर सकता है अगर वो जो है उसके एरियर्स या कुछ अमाउंट उसका पेंडिंग है कितने दिनों से यानी वो अपनी सोसाइटी को, को उसे कुछ में लोन का अमाउंट देना था या फी का कोई अमाउंट देना था या रजिस्ट्रेशन का कोई अमाउंट देना था लेकिन उसने नहीं दिया है तो वो उसकी जो मेंबरशिप है उस अपने सोसाइटी की कमिटी में रिप्रेजेंटेटिव कमेटी में या रिप्रेजेंटेटिव है कहीं पे तो वो उसकी वहाँ पे जो है वो उसकी वो मेंबरशिप सीज हो जाएगी वो जो है इस सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेगा कब उसका पीरियड क्या है कि वो अगर कितने दिनों तक वो जो है वो डिफॉल्टर होना चाहिए थर्टी डेज फोर्टी फाइव डेज थ्री मंथ सिक्स मंथ्स पता होना चाहिए आपको आई थिंक ज्यादा मुश्किल नहीं है ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शल सीज टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट सोसाइटी इफ ही फॉल्स इन एरियर्स टू सोसाइटी फॉर ए पीरियड ऑफ थर्टी डेज फोर्टी फाइव डेज थ्री मंथ्स एंड सिक्स मंथ्स आई डोंट थिंक कि मुझे मुझे लगता है कि शायद आपको ये आपके पास जो बुक हो उस पर यह नहीं होगा तो अगर किसी ने वो पूरा वो रूल्स पढ़े हैं तो वो इसको उसने ये कहीं पे देखा होगा आप, आप जो है अगर आपने देखा हो आप दूसरों को भी बताएं और मुझे भी बताएं कमेंट्स uh, में देखते हैं कितनों कितनों ने देखा है किसको पता पता या किसको नहीं पता है ताकि मैं कंपटीशन की लेवल पता चल जाए इससे भी कौन कंपटीशन में इन है और कौन कंपटीशन से आउट है तो लास्ट में मैंने आपको ये कहा था आई होप कि आपको जो है अच्छे खासे मार्क्स आए होंगे इस टेस्ट में इसमें सिर्फ टेन मार्क टेन क्वेश्चन हमने रखे हैं तो लास्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक टिप बोलूंगा और वो जबरदस्त होगी एंड आई बिलीव कि अगर आप वो करोगे तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाओगे एंड द टिप इज रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज यानी कि आपको हर बार जो भी आपने पढ़ा है वो रिवाइज करना है एक बार दो बार दस बार सौ बार सौ बार तो नहीं हो सकता कम से कम तीन बार चार बार आप कर सकते हैं तो इस रिवाइज का अगर आपने इस अगर आप इस टाइम ये वीडियो आप यहाँ तक पहुँचे हैं देखने के लिए आप ये देख रहे हैं तो इस वीडियो का लिंक अपने पास कहीं पर सेव रखें आपने जो ये चूँकि ये सारा जो रेंट सैक करके मान लो ये छाँट करके मैंने जो है ये बहुत ही एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मैंने निकाले हैं इधर उधर पूछ पूछ करके तो ये बहुत ही इम्पॉटेंट हैं अगर आपने मा, मा, अगर आपको ये आ रहे हैं तो आपको जो है वो वो रूल्स पढ़ने की जो है ज़रूरत कम पड़ेगी यानी इसमें जो इम्पोर्टेंट है इसी यही दस में से दो तीन आ सकते हैं अगर कोई आया लेकिन अगर आपने ये इस टाइम पढ़ा है और अगर आप फिर ये नहीं देख रहे हैं तो मान लो कि आपने आपका ये टाइम भी ज़ाया तो और आपको ये भी बाद में नहीं आएंगे इसलिए इसको रिवाइज़ करने की ज़रूरत है जो भी आप पढ़ रहे हैं आप बुक ही पढ़ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं वो आप बार बार देखें एक वीडियो को दो बार देख लें तीन बार देख लें चार बार देख लें रिपीट कर लें उसको एग्ज़ाम से पहले तक तो जो भी आपने वीडियो देखे हैं उनको कहीं पे लिंक कहीं पे सेव रखें उनको आ, फ, कभी भी फुर्सत मिले उनको फिर से देख लें तो इसी के साथ गुड लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन आई होप यू आर यू विल डू वेल एंड आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर आप खड़े उतरेंगे गुड लक थैंक यू